ये जो झीव झोला है ना, बिल्कुल यही था यहाँ पे। और ना मीही का ना यही लेट लेट आ रखी थी मैंने, क्योंकि वहां से बेड बना रही थी और मुझे नहीं पता कब कब मैं सो जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैंने उसको गोदी में उठाया ना, यहाँ से ना दो टाइलें गिर पे के चुरम चूर हो गई। मेरी मीही का के ऊपर भी ये सब क्यों होता है समझ में नहीं आता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक्चुअली अभी लाइट बंद कर रखी है और निष्ठा के डैडी ऑफिस चले गए हैं और यहाँ पे बच्चे बिलक रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। इनको मैं बीच बीच में अटेंड कर रही हूँ तो ये और ज़्यादा बिलक रहे हैं क्योंकि मैं इनको दिख जा रही हूँ। एक्चुअली सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि निष्ठा के डैडी थोड़े लेट हो गए थे और इसी वजह से सोचा चलो बाद में कर लेंगे। और एक्चुअली क्या है कि अभी निष्ठा को कुछ खाना है, उसे दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना, उसे बटर ब्रेड भी नहीं खाना। बटर ब्रेड नहीं है, ब्रेड बटर नहीं है, बटर नहीं है, भले उसको घी ब्रेड नहीं खाना, घी में सेक के ब्रेड वो भी नहीं खाना इसको दूध के साथ, इसको दूध भी नहीं पीना। और इसको क्या है कि कोई फ्रूट भी नहीं खाना और इसको क्रीम रोल खाना है। मैंने कहा है इसको, अरे मेरे बच्चे, गाइस बच्चे रो रहे हैं। तो मैं एक्चुअली क्या है, मैंने जैसे तैसे ना दूध बॉईल होने के लिए रखा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है दूध बॉईल, फट गया क्या? ऐसे क्यों हो रहा है? जब उससे देखती हूँ, फटना तो नहीं चाहिए, नहीं फटा। क्या हुआ, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। निष्ठा के डैडी और निष्ठा स्कूल नहीं गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये जो विंग्स चेयर है ना, है यहाँ रखी थी एक्चुअली में यहाँ। और यहाँ से ना आप देख रहे होगे मैंने ये काम किया है, यहाँ पे मैंने फोम लगाया है जो हमारे किसी के साथ आया था सामान के साथ। तो फ्रेंड जो ये टाइल गिरी है ना और ये जो झीव झूला है ना, बिल्कुल यही था यहाँ पे। और ना मीही का ना यही लेट लेट आ रखी थी मैंने, क्योंकि वहाँ से बेड बना रही थी और मुझे नहीं पता कब कब मैं सो जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैंने उसको गोदी में उठाया ना, यहाँ से ना दो टाइलें गिर पे के चूरम चूर हो गई। और अभी आप देख रहे हो झाड़ू और पोछा यहाँ से मैंने साफ़ करा है और सारा अभी बाहर रखा है क्योंकि यहाँ पे सारे में ही टाइल टूट गई थी, बहुत नुकीली नुकीली चीज़ें हो गई थी, इसलिए मुझे तुरंत के तुरंत करना पड़ा। और अभी मैंने इस पर फॉर्म लगा दिया और टेप से चिपका दिया ताकि ओरो का बेस बना रहे और कोई कीड़ा वीड़ा ना घुसे और इसमें से कूड़ा रेत सीमेंट वगैरह ना निकले। आज तो बस मीही का के ऊपर ही आता है, पता नहीं मीही क्यों इतना क्यों होता है। चलो शुक्र है कि चलो मेरा मीही भी मीही के ऊपर ऐसे नहीं होता है, बट मेरी मीही का के ऊपर भी ये सब क्यों होता है समझ में नहीं आता। इतने तो पूजा कराने के लिए टाइम हमने सोच भी लिया है, फिर भी पता नहीं क्यों क्यों होता है ऐसे। कितना ही कोशिश कर लो, कितने कितने ही तो सेफली रख लूँ, फिर भी देखो ना चाहते हुए वाली चीज़ हो जाती है, क्या कर सकते हैं। और अभी देखें, अगर शाम को मैंने जीतू से बुलवाया था उससे पापा को, तो बोली थी हाँ मिल जाएंगी, मिल जाएगा मिस्त्री, मतलब तो एक मिस्त्री आएगा शाम को आएगा वो बताएगा। और यहाँ पर मैं ना अब मैचिंग के टाइल तो पता नहीं कहाँ से क्या ही लाएँगे भैया, ये तो हम ही लाए थे जो हमारे बिल्डर ने लगाई थी। तो अब हम ही ले, मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह, जैसे भगवान होते हैं, भगवान जी होते हैं, और जैसे फ्लावर होते हैं, कुछ भी ऐसी है जैसे प्रिंटेड टाइल्स होती है ना जो स्पेशल एक ही लगती है, जैसे रूम में एक लगवा लो, किचन में एक, फल फ्रूट से रिलेटेड एक लगवा लो, जिसको ज़्यादातर नहीं उसको वो भी नहीं, हाईलाइट भी नहीं, हाईलाइटर भी नहीं बोलते उसको, दूसरी होती है। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर एक फ्लावर पॉट टाइप में यहाँ पर टाइल लगवा लूंगी तो ये डिजाइन बन जाएगा, बस और क्या। कैसे देख रही, इसको तो 24 घंटे रहता है गाइस, इस क्रीम रोल खा लिए, खा रही है। मैंने दू गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, रे बच गई थी, बात पे खा ले चाटा। गाइस देखो धूप अच्छी आ रही है और ना मैंने ये पौधे का रैक था ना वो निकाल लिया है क्योंकि क्योंकि इसमें ना जंग लगा है। और हमारा ना ऐसा होता है कि बालकनी धोनी ही पड़ती है क्योंकि ना बहुत डस्ट आता है सब चारों तरफ। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर भी चल रहा है, हमारे इधर बगल में भी चल रहा है, इधर इसी के पीछे हमारे साथ जो बिल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने इसको निकाल लिया, इसको पेंट करके हम अंदर ही रखेंगे, ये देखिए। और पौधे रख दिए मैंने बाहर जो शू रैक था ना उस पर। और हम मैंने आपको बताना भूल गए, हमने एक रैक मंगवा लिया है जो कि मैंने तुरंत के तुरंत रख दिया था, बाद में दिखाऊंगी आपको। बाकी धूप अच्छी आ रही है, अभी तो फिलहाल मैंने एक गद्दा डाला हुआ है बच्चों का जिस पर बच्चे खेलते हैं।
टिशू ये रख क्या 10-21 तेरे 100 कोस दूर रखना है क्या ये बैग? बस में जाना है क्या इसको रखने? वहां पे रख के आओ, बच्चों के पास आ जाओ ना। तो गाइस मैं इसको कहती हूँ जब छुट्टी होती है तब कम से कम तब तो बच्चा मेरी थोड़ी हेल्प करा दिया कर, या छुट्टी कर लेती है स्कूल की, लेकिन नहीं अभी बच्चे रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। ये फिर यही रख दिया। ये क्या रखने जा रही है? ये देखो ऑन करना भूल गई मैं इसको अभी पकड़ना। तो गाइस आपने देखा ही होगा मैंने आज गरम गाउन पहना है क्योंकि मम्मी पकड़ लो क्योंकि भाई फोन आ रहा है। किसका आ रहा है फोन? पता नहीं अरे ये कैसे कोई भी चक्कर रहता है कैसे पकड़ लो? मैं तो पता है फोन से भी परेशान हो गई हूं। फोन टाइम पास करते मुझे पता सब। हां फोन पकड़ लो। हेलो पता नहीं क्या ही चाहती है। दोनों हाथों से पकड़ो। गाइस अभी देखना ये। अभी देखना आप इसके कुकर्म का देख के ना हम बहुत परेशान ले पकड़ लिया। डैडी ये क्या हुआ? विद्या है ये। टीशा मैंने ये सिखाया आपको? ये सिखाया है? Yes. विद्या को मुक्का मार रही हो आप? ये वही बात मुक्के से फटता है। हाथ जोड़ लो। तो फ्रेंड्स मैंने देखो क्या कहा था, ये कुछ बहादुरी वाला काम नहीं कर रही थी, ये कर रही थी। यहाँ से डस्टिंग करना स्टार्ट करती हूँ। देखो ये तो हमेशा ही फैला रहता है, एक्चुअली फैला बेसिक से रहता है, बट मैं हर दूसरे दिन ये बेड बनाती रहती हूँ। हालांकि इस बेड पे कोई नहीं चढ़ता है बट फिर भी, क्योंकि अभी बहुत सामान है ना इधर उधर से लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए होते हैं बिस्तर, मैट भी हम बिछाने होते सफाई के बाद, और ये पर्दे हैं हमारे, क्या करें बताओ। तो तुम फ्री बैठी हो तो तुम पर्दा ही खोल दो यार, अभी बच्चे सो रहे हैं उठ जाएंगे तो छोड़ देना बीच में। ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये मैंने कर दिया, एक मैंने उतरा हुआ कर दिया, ये वाला है। या तो तुम ऐसे करो सुनो, वो वाला ले लो तुम, और ना बहुत पर्दे भी फाड़ रखे हैं पता है किनारे। हाँ गाइस अभी ना एक पार्सल आया है, उसमें हमने ना एक्चुअली आप देख रहे होगे मैंने इन पे ना कवर नहीं डाल रखे, बड़े हमारे जो ये कुशन है ना इस पे ना कवर नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने वो जो पुराने हैं ना वो लाल ना कम से कम हमें 6 साल हो गए उनको यूज़ करते करते ना, तो सोचा 6 साल मतलब बहुत ज़्यादा होता है 6 साल से। हम छोटे तो फिर भी कर लेते थे क्योंकि छोटे जल्दी फट भी रहे थे तो ऑटोमेटिकली हमें लाने पड़ रहे थे, बट ये फट नहीं रहे थे तो अभी भी ऐसे कैसे हैं, मैंने बहुत संभाल के रख दिए हैं, धो धा के अच्छे से मैंने अच्छी जगह अच्छे से संभाल के रख दिए हैं, और अभी ये आए हैं हम आपको ये खोल के दिखाएंगे कि ये कैसा हमने ऑर्डर किया है और कैसा लगता है।